मैं बना रही हूँ मैगी का महा पैक देख रहे हो ना कितना बड़ा पैकेट है इसमें इसके अंदर आठ पैकेट है गाइस तो एट्टी फोर ऐसा कुछ मुझे इसमें मिल गया था ऑनलाइन से मैंने लिया था तो कुछ तो कम उसमें से कंजेशन हुआ ही है तो मैं इसमें चार पैकेट निकाल लूँगी अपने तीन मेम्बर के साथ क्योंकि तीन हम लोग खाने वाले हैं तो सारे वेजिस घर में थे यहाँ तक कि पनीर भी घर में था तो मैं चलो भाई आज ऐसे विंटर का टाइम है और सारे वेजेस वग़ैरह मिलते ही हैं तो इसका फ़ायदा उठा लिया जाए तो अच्छे खासा मैंने यहाँ पर पनीर के क्यूब्स भी डाल दिए थोड़ा तो सा उसको फ़्राई कर लिया उसके बाद धीरे धीरे मैं सब डालूंगी लेकिन जब मैंने इसको लास्ट बनाया ना तो औसम ओसम ओसम तो कुछ गार्लिक के मैंने चॉप काट के दे दिए क्योंकि गार्लिक और अनियन अगर इसके पहले मैं दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है तो चलो मैं बनाती हूँ पूरी तरह से और uh, मैंने तेल में रिफाइंड ऑयल में ही मैंने थोड़ा सा गार्लिक और अनियन को फ़्राई किया है अच्छे से फ्राई कर लिया थोड़ा सा लाल किया है इसको ताकि जो तो फ्लेवर अच्छे से निखर कर उठे उसके बाद मैं सारे वैगी को वन बाई वन इसमें दूंगी तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि विंटर का टाइम है और बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी आप जो इसमें जैसा चाहो क्योंकि मैगी हर टाइम हर वक्त की आपको बहुत ही टेस्ट लगेगा है ना क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं अलग अलग टाइप के मैगी खा सकती हूँ बना सकती हूँ तो मैंने कुछ छुट्टी छोटे छोटे एकदम जस्ट छोटे छोटे गाजर के क्यूब्स काटे हैं मटर डाल दिए हैं कैप्सिकम डाल दिए हैं हरी मिर्चें डाल दी हैं तो अगर आपके पास यहाँ पर बीस भी रहे तो वो भी डाल सकते हो तो मैगी मैं ऐसे भी लेती हूँ तो भी मुझे मज़ा आता है मैं, मैं वेजिज़ के साथ बनाऊँ तो भी मुझे मज़ा आता है तो कुछ हल्दी मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी है और ब्लैक पेपर डाला है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ब्लैक पेपर ज़रूर डालना है इसमें और अगर रेड चिली डालना है तो आप डाल सकते हो मैंने नहीं डाला है तो अच्छे से मैंने इसको सोटे कर लिया है मिक्स कर लिया है उसके बाद टेस्ट मेकर मैं डालूँगी चार मैगी में पैकेट लिया है तो चार टेस्ट मेकर इसमें डालूंगी तो तो अच्छे से ज़्यादा मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अच्छे से मिला दिया आप देनी है बारी है पानी तो उसके पहले मैंने थोड़ा सा मैं दे रही हूँ रेड चिली रेड चिली जो चिंग्स का है मैंने वो इस्तेमाल कर रही हूँ केचप डाला है मैंने भर भर के आप चाहो तो इसमें सोया सॉस डाल सकते हो लेकिन राइ मैंने इसमें सोया सॉस नहीं डाला है क्योंकि मुझे चाइनीज़ वाली टाइट की नहीं बनानी थी लेकिन जो भी बना बहुत मस्त बना है तो चार पैकेट के लिए मैंने चार कप यहाँ पे लिया है पानी पक्का चार कप ना उससे ज़्यादा ना उससे कम टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा तो सा नमक डाल दिया है और जब ये पानी जब तक तो बॉयल ना हो तब तो तक तो मैगी का बिल्कुल देना ही नहीं है तो यहाँ पर सबका पानी का एक जो है ना स्टेक्चर अलग होता है तो यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद सारे मैगीज़ को इसमें भर भर के दे दिए हैं और जो ना मेरा पैन तो भर गया लेकिन हाँ पैन तो भर गया है लेकिन बहुत ही आप देखोगे कुछ देर बाद बहुत ही मस्त बनी है खिली खिली बनी है क्यों क्योंकि पानी का मेज़रमेंट बिल्कुल आपको उसी तरह देना है जैसे मैगी का आप दे रहे हो चार पैकेट मैगी तो चार पैकेट आपका पानी उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं परफेक्ट उसके बाद मैंने इसमें दे दिया है यहाँ पनीर और लीट लगा के ढक दिया आप इसको देखो आप कह सकता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है आपको देखो कितना अच्छा से एकदम बिल्कुल खिली खिली मैगी बनी है वेजिस मैगी और बहुत ही यमी बनी है और धुआं निकल रहा है गरम गरम मैगी तो ये मज़ा है अगर कुछ ना मिले तो रात को खा लो मैगी तो मैं मैगी बना चुकी हूँ अब देखो बहुत मज़ेदार लग रही है मटर के एक दाने अब देख रहे हो ना मज़ा आ रहा है ना तो चलो मैंने मैगी का कप ले लिया है और फिर मैगी खा रही हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब कर दे बाय बाय टाटा